और यहाँ पर भगवान का निज निकेत है, भगवान श्री सीताराम। यहाँ पर केवल सीताराम भगवान ही विराजते हैं और दूसरा कोई नहीं यहाँ पर रहता है। सुख शालिनी पालिनी महाशक्ति बंदे राम प्रियतम सीता सती, ये होची सेई सीता मातांकर भवन, अर्थात ये होची कनक भवन चित्र आमे आपनकु देखेबु, जेउ कनक भवन कु मा कैकेई मा सीतांकु मुह देखाई रे देथिले। मुह देखा जते बेले होइथिला मा सीता विवाह परे, जते बेले अयोध्या आसीथिले, जते बेले तांकर मुह देखा चालीथिला, सेते बेले मा कैकेई निज स्व इच्छा रे ए कनक भवन कु मा सीतांकु उपहार देथिले। ये पूरा चित्र देखि पार्थिबे, ये पूरा चित्र होची कनक भवन चित्र। त्रतय युगरे ए कनक भवन पूरा सुनारे छाउनी हेतला, आ ता परे परे राजा विक्रमादित्य एहाकु पुनरुद्धार करथिले, एवं ता परे महारानी वृषभानु एहाकु आउथरे पुनरुद्धार करथिले। ये पूरा चित्र आपण देखि पार्थिबे, ये होची पूरा चित्र कनक भवन चित्र। एठारे मा सीतांक सहित प्रभु श्री रामचंद्र भितरे विराजित अछंती, सेठारे पूजा चालीछि स्वतंत्र नीतिकांति रे, जेउंभली भावे राम जन्मभूमि रे रामलालांकर पूजा चालीछि, एठि भी स्वतंत्र नीतिकांति रे पूजा चालीछि। आम सहित पंडित जी अछंती, आमे सीधा सळक पंडित जी को सहित आमे आलोचना करबा कि प्रकृतरे कोन रहिछि, यार पूरा इतिहास कोन रहिछि, कनक भवन नो विशेषत्व किभळी, मा कैकेई कोन समय रे मा सीतांकु ए कनक भवन को उपहार देथिले, आमे सीधा सळक आलोचना करबा। पंडित जी स्वागत है आपका अर्गस न्यूज से। थोड़ा हमको बताइए, ये जो कनक भवन है, मा कैकेई ने मा सीता को मुंह दिखाई में दी थी, क्या इतिहास है इसका, क्या विशेषत्व है थोड़ा? अब भगवान राम जब ब्याह करके आए, अभी मैंने आपको पूर्व बताया ही है कि माँ सीता को उनकी सासू माँ कैकेयी माँ ने मुंह दिखावे में दिया था प्रसन्न होकर के। उस समय यह महल सोने का पूरा बना हुआ था, पीछे सरयू माँ की धारा बहती रही और दक्षिण तरफ महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल एवं रामलला राम जन्मभूमि माँ कौशल्या का महल, माँ कैकेयी का महल, माँ सुमित्रा का महल और माता कैकेयी का कुप भवन भी उधर ही था, राम जन्मभूमि से जस्ट बगल में। तो वर्तमान का महल जो आप देख रही हैं, यह रानी वृषभान के द्वारा बनवाया गया और यहाँ पर भगवान का निज निकेत है, भगवान श्री सीताराम। यहाँ पर केवल सीताराम भगवान ही विराजते हैं और दूसरा कोई नहीं यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की छोटी सी प्रतिमा है और ये अखंड स्वरूप में यहाँ श्री सीताराम भगवान नित्य विराजते हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पधराई गई मूर्तियों में विराजते हैं। जी, श्लोक सुन सकते हैं सीता में जी। हरि ओम मा ओम जिज्जाग्रतो दूर मुदैति देवं तदुसुप्तस्ततपैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परमपिता परम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा मरुणालय साकेताधीश कुशल्यानंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र सरकार, जिनके 24 अवतार हैं, स्वामी जगन्नाथ के स्वरूप में है, बलभद्र सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है, वही सरकार यहाँ भगवान श्री राम भद्र सरकार के रूप में विराजमान है। स्वामी जगन्नाथ में और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही है और यहीं पर विराजमान है अपने निज निकेत में सीताराम भगवान के रूप में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो भली भाव आम आपको पूर्व भी कही आम राम जन्मभूमि को जोड़बू जगन्नाथ धाम सह, से भाव पंडित जी भी आमको कहले जो भली भाव जगन्नाथ धाम जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा विराजित अच्छा, सेठे जगन्नाथ अयोध्या से ही रूप से रामलाला रूप से दर्शन देखते समस्त को। अयोध्या कैमेरा पर्सन अंजन विद्युत प्रभा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।